हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत सारी रेसिपीज में यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है। आज हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, घर पे ब्रेड क्रम्स प्रिपेयर करेंगे। ब्रेड क्रम्स हम चिकन पॉपकॉर्न में यूज करते हैं, ब्रेड क्रम हम कटलेट्स में यूज करते हैं। सो ब्रेड क्रम्स का बहुत सारे रेसिपीज में यूज होता है, तो इसको हम घर में प्रिपेयर करेंगे और हम इसको 7 days या 8 days तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर। सो इंग्रेडिएंट्स में मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इनको मैंने ऐसे ही प्लेट में करके और फ्रिज में रख के 12 आवर्स के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे टाइट हो चुके हैं। अब हम इनको अपने तवा पे थोड़ा सा सेक लेंगे और इनको टाइट करेंगे, और ये काम आप टोस्टर में भी कर सकते हैं। सो आइए हम हमारे ब्रेड को तवा पे रखते हैं और दोनों साइड से हम इनको बराबर से सेकेंगे। ये देखिए, मैंने अपने ब्रेड्स को टर्न कर लिया है, फ्लिप कर दिया है। अब मैं उनको दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लूँगी। ये देखिए, हमारे ब्रेड जो हैं वो सेक के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनके छोटे छोटे पीसेस करके अपने मिक्सर में डालूँगी और फिर मैं इनको ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, आप अच्छे टाइट हो गए हैं, ये क्रिस्पी होंगे। ये देखिए, मैंने जो है अपने ब्रेड को मिक्सी में पीस लिया और ये हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुका है। ये देखिए, एकदम ही फ्लोइंग है, इससे बहुत क्रिस्पी कटलेट्स एंड कबाब्स बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इससे खूब सारे कबाब्स, खूब सारे कटलेट्स बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।